गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म अपराधी की शूटिंग करने पहुंचे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए कहा कि भोजपुरी एक बहुत ही सरल भाषा है। यूपी और बिहार के अलावा पूरे देश में भोजपुरी फिल्मों की डिमांड है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में कहीं भी अश्लीलता नहीं है, सिर्फ लोगों की सोच है। उन्होंने कहा कि अगर लोग सोच बदल दें तो अश्लीलता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। खेसारी लाल ने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि रामगढ़ ताल इतना सुंदर होगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर वालों का काफी सपोर्ट मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, ये अपराधी एक सिनेमा का नाम है जिसका शूटिंग यहाँ पे चल रहा है और उसके डायरेक्टर हमारे शेखर शर्मा जी हैं और हीरोइन तीन हैं, ऋतु सिंह जी हैं, मेघा मेघा श्री हैं और रक्षा गुप्ता हैं और बहुत सारे एक्टर हैं जो भोजपुरी से हैं। यहाँ पे देखा जाए तो लगातार भोजपुरी फिल्मों का क्रेज बढ़ा है युवाओं में भी, इसलिए क्या करना चाहिए? ये तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारा भोजपुरी जिंदा कैसे रहेगा? और हम जब अपने भाषा से ही दूर चले जाएंगे तो शायद हमारी अस्तित्व मर जाएगी। तो ये अगर क्रेज बढ़ रहा है तो शायद हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे भोजपुरी का क्रेज और बड़ा हो, ताकि पूरी दुनिया, अभी तो सिर्फ 40 करोड़ जनता जान रही है भोजपुरी के बारे में, हम चाहते हैं कि 130 करोड़ जनता भोजपुरी के बारे में जाने, तो उस दिन हमारी जीत होगी। तो कोशिश है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जे हम हिंदी लेवल तक के भी काम करें। आपने मेरा तेरे मेरे दरमिया गाना देखा होगा कि जो लगातार आज 7 दिन से ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे चल रहा है, और मैंने हिंदी की पहली प्रयास की और स्पीड रिकॉर्ड से, और इतने बड़े बड़े हिंदी के सॉन्ग हुए लेकिन उसको पीछा नहीं कर पाए। तो ये खुशी की बात है कि हमारी उपलब्धियाँ डे बाई डे बढ़ रही है, हमारी भाषा की, हमारे लोगों की, क्योंकि हम अगर कुछ करते हैं तो भोजपुरी के लिए करते हैं। खेसारी लाल अब सिर्फ एक बाप का बेटा नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी समाज का बेटा है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कुछ करें जैसे हमारे भोजपुरी समाज का नाम बड़ा हो। हम तो बड़ा हो ही रहे हैं अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, लेकिन हमारा भाषा जितना बड़ा होगा हम वही हमारी जीत होगी। अश्लीलता जो पूछता है वही अश्लील है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यह है। हम अश्लीलता पूछ के अपने भोजपुरी को अश्लील बना दिया है। किस, ये बताइए कि कहाँ मर्डर नहीं होता है, कहाँ रेप नहीं होता है, कहाँ गंदे गाने नहीं होते? क्या हिंदी में नहीं होते, बंगला में नहीं होते? हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनलों से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अश्लीलता के बारे में पूछ के भोजपुरी को अश्लील बना दिए। जैसे कि बिहार यूपी में सबसे बड़े नेताओं ने आज तक रोजगार नहीं आने दिया, रीज़न यही है कि हमने इतना बोल दिया कि जंगल राज, यहाँ हत्या होता है, मर्डर होता है, ये होता है। तो ये बताइए कि जब हम ही अगर अपने चीज़ों को बोलेंगे जो ये गंदा है, तो फिर ये पूरी दुनिया कैसे हमें पाक समझेगी और कैसे इंसान समझेगी? हर आदमी तो जानवर ही समझता है हमें। तो मेरे कहने का मतलब अश्लीलता कहीं नहीं है, अश्लीलता हमारे अंदर है। साथ में चलने वाली लड़की हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी बहन भी हो सकती है। आप अपनी सोच बदल दीजिए, खुद को संभाल लीजिए, खुद को सोच बदलिए, शायद ये पूरी दुनिया क्लीन हो जाएगी। दर्शकों से मैं यही कह दूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ गंदा लगता है तो आप उसको अवॉइड करिए, उसको सुनना बंद कर दिए, चाहे वो कोई भी गायक हो, चाहे वो कोई भी सिंगर हो, आप सुनना बंद कर देंगे, लोग गाना बंद कर देंगे। अब एक मॉल में, सर मेरे कहने का मतलब कि गोरखनाथ मंदिर के बगल में भी मटन बिकता होगा, चाहे वो 10 कदम दूर या 20 कदम दूर। तो बुराइयाँ कहाँ नहीं है, हमने अपने चीज़ों को इतना बुरा बना दिया है पूछ के, बोल के, कि दुनिया के नज़र में हम सबसे बुरे हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए हो जाती है। क्योंकि दुनिया में हम भी हैं, हमसे दुनिया है तो दुनिया से हम भी हैं। तो सबसे पहले खुद को बदलिए, अपने आप दुनिया बदल जाती है। थैंक यू सो मच।